सैम पिट्रोडा जी ने जो है इनहेरिटेंस टैक्स की बात की, जो हम लोगों की जमा पूंजी है, जब हम अपने लोग पूरा बचाते हैं अपने फैमिली के लिए, जब हम उसको अपने आने वाली जनरेशन को देंगे तो उस पर भी टैक्स लगेगा और ये टैक्स बहुत बड़ा टैक्स हो सकता है। तो क्या आप कहेंगे कि बीजेपी अगर आएगी तो इस टैक्स को कभी नहीं लागू करेगी? भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, हमारे मैनिफेस्टो में साफ हमने लिख करके लाए भाई। अब उन्होंने कहीं सगुफा छोड़ दिया तो मैं भी वो झंडा लेके घूमूंगा, ये सवाल आपके मन में कैसे आ जाता है? भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा साफ है जी, हम अपनी विचारधारा के आधार पर कार्यक्रमों को लेकर के, मैनिफेस्टो को लेकर के देश के सामने जाते हैं। कृपा करके ऐसे महासभा के विचारों को हम पर मत थोपिए भाई। मोदी जी, राहुल गांधी ने एक बात और कही है, वो कहते हैं कि जब वो सरकार अगर उनकी आएगी तो वो एक नेशनल एक्सरे कराएंगे। इसी से जुड़ा सवाल है, इसीलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ, एक नेशनल एक्सरे कराएंगे, बात सिर्फ कास्ट सेंसस की नहीं है जो कि वो करते आए हैं, उस पर भी मैं आपका मत जानना चाहूँगा, मगर बात वो कहते हैं इससे आगे है, बात कास्ट की नहीं, बात जस्टिस की है, और वो कहते हैं कि हम जो है एक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे लाएंगे, एक इंस्टीट्यूशनल सर्वे लाएंगे और उसमें देखेंगे कि किसके पास किस जाति और किस उस वर्ग के पास क्या है, कितना धन है, कितनी इंस्टीट्यूशंस में भागीदारी है, और उसके बेसिस पर हम इस पूरे सिस्टम को रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो इस देश में जो लोग अपने आप को राजनीति के एक्सपर्ट मानते हैं, जो लोग देश के उतार चढ़ाव को बड़ी बारीकी से अध्ययन करते हैं, सबसे पहले उनका दायित्व है कि वो ऐसे लोगों को पूछे कि जिस परिस्थितियों का वर्णन आप कर रहे हो अगर ये सही है तो 50-60-65 साल तो आपने राज किया भाई, ये मुसीबत के जो जन्मदाता आप हो, और आपने अब तक की ये बर्बादी लाई क्यों, पहले उनका जवाब मांगो भाई। नंबर वन। नंबर टू, एक्सरे का मतलब क्या है जी? मतलब हर परिवार में जाना, घर घर छापा मारना, अगर किसी अनाज के डिब्बे में किसी महिला ने अपने गहने छपा के रखे हैं उसको भी एक्सरे किया जाएगा, उनके गहने ले लिए जाएंगे, जमीनों का हिसाब किताब किया जाएगा और फिर उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये दुनिया में एक माओवादी विचार ने सब किया हुआ है, दुनिया बर्बाद हो चुकी है जी। ये पूरी तरह अर्बन नक्सल उस सोच का सीधा सीधा प्रगटीकरण है, और इसलिए मैनिफेस्टो आने के 10 दिन तक बाद भी ये जो जमात आए दिन लिखा पट्टी करती है ना, वो चुप रही है, उनके प्रोटेक्शन में चुप रही है। तब मिलके मेरी जिम्मेवारी बन जाती है कि देश को जगाना कि भाई देखिए आपको लूटने की ये तरकीब हो रही है। और दूसरा पार्ट है डॉक्टर मनमोहन सिंह की, वगैरह उन्होंने हर बार कहा है कि भाई जो भी संपत्ति होगी इस पर पहला अधिकार किसका होगा, तो हिसाब किताब बहुत साफ है वो क्या करना चाहते हैं। इनहेरिटेंस टैक्स के मुद्दे के उत्ते प्रधानमंत्री स्टेजां तो रैलियां जिहड़ियां कर रहे हैं, उस स्टेजां तो भी कांग्रेस को घेर रहे हैं, खास तौर पर राहुल गांधी की रीडिस्ट्रीब्यूशन वाली जिहड़ी स्टेटमेंट है वह, तो सैम पित्रोदा का बयान, हालांकि कांग्रेस भी इसके उत्ते पलटवार कर रही है, पर इस सब विचाले कांग्रेस के मैनीफेस्टो को लेकर भी प्रधानमंत्री वरदे हुए नजर आए हैं, और इस पहली झलक PM की इंटरव्यू की पहली झलक के मैनीफेस्टो लेकर प्रधानमंत्री ने की कहा है वो भी तुम दसा। दरअसल कांग्रेस के मैनीफेस्टो कांग्रेस ने न्याय पत्र का नाम दिता, तब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस OBC राखवेकरण का विरोध करती रही है, धर्म के आधार के उत्ते राखवाकरण की हिमायत कांग्रेस करती रही है, कांग्रेस के मैनीफेस्टो के उत्ते मुस्लिम लीग की छाप है, प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, इल्जाम लगाए ने कांग्रेस के उत्ते और वक्त-वक्त स्टेजां तो मुस्लिम लीग की छाप वाली गल ते इल्जाम प्रधानमंत्री पहला भी लगाते आए। मीडिया करे, आपने जो है राजस्थान में एक रैली में एक कांग्रेस पर, कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर एक डायरेक्ट अटैक किया, आपने ये तक कहा कि इनका एक स्कीम है जिससे कि ये वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ये पता लगाना चाहते हैं किसके पास कितनी जमा पूंजी है, किसके पास कितना पैसा है, किसके पास कितना सोना है, सिल्वर है, चांदी है, और उसको वो मुसलमानों में और घुसपैठियों में बांट देना चाहते हैं। क्या ये थ्रेट इतना रियल है, क्या आपको ऐसा दिखता है?
कांग्रेस का जहां तक मैनिफेस्टो है, कोई मुझे बताए क्या चुनाव के अंदर पॉलिटिकल पार्टियों के मैनिफेस्टो ये कोई शोपीस के लिए होते हैं क्या? सचमुच में तो मीडिया का काम है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो की बारीकी से जांच पड़ताल करें। मैं इंतजार कर रहा था कि मीडिया करें। पहले दिन मैंने एक कमेंट तो कर दिया था जी, मैं कोई आज कर नहीं रहा जी, कि भाई मुझे मैनिफेस्टो देख करके लगता है कि इस पर पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है। तो मुझे लगा कि मीडिया चौंक जाएगा, जो एनालिसिस करने वाले चौंक जाएंगे, लेकिन पता नहीं अब उनकी व्यस्तता कुछ और है। मैनिफेस्टो में उनकी तरफ से जो परोसा गया उतने ही गुड़ी 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 उछालते रहे। फिर मुझे लगता भी ये तो इकोसिस्टम का बड़ा मिली भगत लगता है। अब मुझे सच्चाई लेकर जाना पड़ेगा। मैंने काफी 10 दिन इंतजार किया कि देश इस मैनिफेस्टो में जो बुराइयां हैं उसको कोई न कोई, क्योंकि निष्पक्ष तरीके से आता है तो अच्छा है। 2006 का एक वीडियो जो वायरल हो रहा है जिसमें मनमोहन सिंह जी ने कहा है कि गरीब मुसलमानों का पहला अधिकार रिसोर्सेज पर है, ये उन्होंने साफ कहा है। आपने उसको मैनिफेस्टो में भी ये बात पॉइंट आउट की है कि ओबीसी रिजर्वेशन का जो है पार्ट लेकर वो मुसलमानों को दे देना चाहेंगे, और 2004 से 2014 के बीच में उन्होंने 4-5 बार ऐसा करने की कोशिश की भी है। अरे भाई ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा है, जरा मेरा जवाब लंबा हो जाएगा लेकिन देश के लिए मुझे बताना पड़ेगा। बताइए, आप कांग्रेस का इतिहास देख लीजिए। 90 के दशक से ये मांग उठी है देश में, समाज का एक बहुत बड़ा तबका है जिसको लगता था कि हमारे लिए कुछ होना चाहिए, उसके लिए आंदोलन हुए हैं। 90 से पहले कांग्रेस ने पूरी तरह इस बात को खारिज कर दिया, उसका विरोध किया, उसको दबाने की कोशिश की है। यानी 90 के पहले का उनका दशक है। फिर उनको जितनी भी कमीशन बने, जितनी कमेटियां बनाई, उसके भी रिपोर्ट्स ओबीसी के विचार के पक्ष में आने लगे। अब उनके सिफारिशों को भी वो नकारते रहे, रिजेक्ट करते रहे, दबाते रहे। 90 के दशक में उनको लगा कि भी अब इसको जरा उनकी वोट बैंक की राजनीति के अनुसार उसको टन दिया जाए। उन्होंने पहला पाप किया 90 के दशक में कर्नाटका में। उन्होंने धर्म के आधार पर, आपको याद होगा, कर्नाटक में उन्होंने धर्म के आधार पर मुसलमानों को ओबीसी घोषित कर दिया। यानी देश के ओबीसी को नकारना, उस विचार को दबाना, उस विचार को रिजेक्ट करना, लेकिन राजनीति खातर मुसलमानों को ओबीसी घोषित कर देना। केंद्र से कांग्रेस गई 2004 तक, ये प्लान ठप रहा, उनका इरादा पक्का नहीं हुआ। 2004 में वो फिर आए तो आते ही आंध्र में मुस्लिम को ओबीसी कोटा ये देना तय कर लिया। मामला कोर्ट में जाके उलझ गया। अब ओबीसी के 27% जो आरक्षण मिला हुआ है भारत के संसद ने दिया है, संविधान के मूलभूत भावना के प्रकाश में दिया है, 27% शायद लगाने की उन्होंने तैयारी कर दी, डाका डालने की कोशिश की। 2006 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग हुई थी एनडीसी की, मनमोहन जी के बयान पर बहुत बड़ा हंगामा हो गया। 2 साल कांग्रेस पूरी चुप रही। 2009 के घोषणा पत्र में फिर से इसका जिक्र किया। 2011 में कैबिनेट नोट है इसका, 2011 के कैबिनेट नोट में ओबीसी के 27% हिस्सा डाका डाल करके उसमें से मुसलमानों को दे देना उन्होंने तय किया जी। 2012 यूपी चुनाव में भी उन्होंने इसकी एक असफल कोशिश की, फायदा नहीं हुआ। 2012 आंध्र हाईकोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया, रद्द कर दिया, कानूनी जजमेंट आ गया, एससी में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए,
वहां भी उनको कोई रिलीफ नहीं मिला। 2014 के घोषणा पत्र में भी धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कही है, जबकि हिंदुस्तान का संविधान जब बना तब तो कोई आरएसएस वाले बीजेपी वाले संविधान सभा में नहीं थे, बाबा साहब आम्बेडकर जैसे लोग बैठे थे, पंडित नेहरू जैसे बैठे थे, सरदार वल्लभ भाई बैठे थे, देश के कई महापुरुष बैठे थे। उन सब ने लंबे चिंतन के बाद तय किया था कि भारत जैसे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। 2024 के चुनाव में आप देख रहे हैं उनका मैनिफेस्टो, और मैंने कहा इस पर पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है, यानी मुस्लिम लीग ही नीतियां उन्होंने अपना शुरू किया। अब ये जो उन्होंने स्थितियां बनाई हैं, मुझे बताइए कि देश के लोगों को ये जिस प्रकार से संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिस प्रकार से लोग बाबा साहब आम्बेडकर को अपमानित करते हैं, एससी एसटी के आरक्षण पर भी खतरा तलवार लटका देते हैं, ओबीसी का तो जीना मुश्किल कर देंगे, क्या मुझे देश की जनता को प्रशिक्षित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैं सभी जो भी विद्वान लोग हैं, जो कलम के धनी हैं, जो निष्पक्ष हैं, उनका ये दायित्व बनता है कि ऐसे समय देश को वो एजुकेट करें, सही चीजें बताएं। इंटरव्यू दे विच वख-वख मुद्दों के उत्ते सवाल पूछे गए ने। पहली झलक दे विच असीं तुहानूं ओह अहम सवाल दिखा रहे हैं जिन्हां दे उत्ते जानना चाहुंदी है देश की जनता कि आखिर प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र अपने भाषणों दे विच भी क्यों किया है। इस सब दे विच आले एक बहुत दिलचस्प सवाल लगातार कर्नाटक नूं लैके भी उठ रहे ने कि इस बार लोक सभा चोणां दे विच कर्नाटक की स्थिति की होंदी है। तवे प्रधानमंत्री कर्नाटक नूं लैके कह रहे ने कि पश्चाताप कर रही है कर्नाटक की जनता, साडा जन समर्थन घट नहीं होया, कर्नाटक दे विच खुद नूं सीएम मन्नण वाले लोग बहुत ने, तां कांग्रेस दे उत्ते कर्नाटक दे विच वरदे हुए नजर आए ने। प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक के मुद्दे के उत्ते भी उन्होंने तो सवाल किया गया, तो भी दिलचस्प सी। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के जिहड़े लोग ने पश्चाताप कर रहे हैं, हालांकि की हुंदा है वह पता लगेगा 4 जून ही जो नतीजे आने। न्यूज़ 18 दे इस मेगा इंटरव्यू के प्रधानमंत्री ने कर्नाटक नूं लेके भी खुल के गलबात। Regarding the guarantee schemes, in Karnataka, Congress promised 5 guarantees and they, after coming to power, they delivered that one. They, as per their promise, they are delivering that one. Now, whereas in BJP is more, in the last election, you lost the only 66 seats, you able to win there, BJP able to win there. Now again, Yediyurappaji ka leadership aur uska beta ka leadership mein ज़्यादा फोकस हो रहा है, इसका वजह से थोड़ा सा बीजेपी के अंदर भी कुछ लोग नाराज भी है उधर। वो एक्चुअली आपका मन में कर्नाटक में अभी बीजेपी कितना सीट जीत सकते हैं, क्या है नंबर वन? यस, कर्नाटक की जनता पश्चाताप कर रही है कि हमने इतनी बड़ी गलती कर दी, इनको बिठा दिया, तो जन समर्थन हमारा कम नहीं हुआ है, जन समर्थन हमारा बड़ा है, लेकिन इन्होंने इतने ही कम समय में सीएम कौन, अभी भी वो बात सेटल नहीं हुई है, शपथ हुआ है सीएम का लेकिन सेटल नहीं हुआ है, अपने आप को सीएम मानने वाले लोग बहुत है उसमें। अब कानून व्यवस्था देखिए चरमरा गई है, बम ब्लास्ट हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, आर्थिक स्थिति पूरी तरह कंगालियत की स्थिति में है, वादे तो बड़े बड़े कर दिए उन्होंने और फिर टैग लगाए ऐसा होगा तो ये मिलेगा, वैसा होगा तो नहीं मिलेगा, मतलब आप जनता के साथ धोखा भी कर रहे हो। जब हमने कहा कि भाई हम इन इन लोगों को आयुष्मान कार्ड देंगे, मतलब देंगे, फिर इफ्स एंड बट लगा करके उसमें बेईमानी नहीं करनी चाहिए। अभी जब हमने कहा कि हम 70 साल से ऊपर के किसी भी वर्ग के व्यक्ति होंगे इनको आयुष्मान कार्ड देंगे, मतलब देंगे, आप में ये हिम्मत होनी चाहिए। उन्होंने किसानों की जो योजना थी वो रद्द कर दी, किसान सम्मान निधि, कोई कारण नहीं है इस प्रकार से करने का। अब आप कोई सोच सकता है, जब बेंगलुरु दुनिया में हमारा बहुत बड़ा देश की इज्जत बढ़ाने में बेंगलुरु का बहुत बड़ा रोल है,
दुनिया में जब जाते हैं ना तो बेंगलुरु कहते ही ऐसा लगता है वो जैसा परिचित है, टैंक हब के रूप में जाना जाता था। आपने देखते ही देखते इसको टैंकर हब बना दिया और टैंकर में भी माफिया सही चल रही है, पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। अगर ये जो हालत उन्होंने कर दी है, अब युवाओं के स्कॉलरशिप आपने संख्या भी कर दी, अमाउंट भी कम कर दी, यानी एक के बाद एक आपने ऐसे नेगेटिव काम किए हैं, जिन मुद्दों को लेकर के वोट मांगा उन मुद्दों को आप वोट दे नहीं पा रहे। अच्छा, डेप्टी सीएम वो अपने भाई के लिए वोट मांग रहे हैं और वो खुद सीएम बन सके इसलिए सब खेल खेल रहे हैं, वो सीएम से हटे इसके लिए भी खेल खेले जा रहे हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम टीम स्पिरिट से काम करने वाले लोग हैं। भले मेरी टीम ने मोदी को आगे किया लेकिन मेरी पूरी टीम काम कर रही है जी। उसी प्रकार से येडियुरप्पा जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं लेकिन काम पूरी टीम कर रही है और टीम मेहनत करती है, लोगों विश्वास भी है और हम आगे बढ़ रहे हैं।